हमारे पास क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा सा, वो है M1, आपको अपने क्वेश्चन में ढूंढना है D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W, ये हमारे पास। तो 8 चीजें हैं, मिनिमम 4 होनी चाहिए, 4 के बारे में बात करेगा, उनमें से 3 आपको कम से कम देगा, तो चौथा आप निकालिए। मान लीजिए आपसे कह दे नहीं सर M1 D1 दिया हुआ है और M2 D2 के बारे में बात कर रहा है, इन 4 में से एक गायब है, हो सकता है 6 की बात करें, हो सकता है 8 की बात करें, तो ये सीधा सीधा सा है, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनमें से आप ढूंढ सकते हैं। चलो इस पे एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा सा, अगर वो मिल गया तो मैं वो देखता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। देखो सर एक क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया सा, यस गुड क्वेश्चन, मिल गया। क्वेश्चन क्या है मैं लिख दे रहा हूं, 3 मैन और 4 वुमेन कैन डू ए वर्क, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, इन 43 डेज। और मेरी कोशिश भी ये होती है, आपकी कोशिश भी यही होती है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो, कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। आपसे कह रहा है इन हाउ मेनी डेज 7 मैन एंड 5 वोमेन विल फिनिश द सेम वर्क, ये क्वेश्चन है जी, बताओ सर। अभी तक क्या था, अगर हमसे कह रहा था कि 3 आदमी 10 दिन में करते हैं, यहाँ पे जो था नई चीज क्या आ गई, 3 आदमी मान लीजिए कितने दिन में करते हैं, 43 डेज में, तो 7 मैन इन हाउ मेनी डेज, तब तो हम कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या कर रहा है 3 मैन और 4 वुमेन, और यहाँ पे क्या कर रहा है 7 मैन एंड 5 वुमेन, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या करना है, चेंज करना है मैन को या तो वुमेन में या वुमेन को मैन में, जिससे कि हम इक्वल चीज देख सकते हैं। भाई हम अगर 3 मैन और 4 वुमेन, तो या तो हम किसी एक को ले सकते हैं कि भाई 3 आदमी वो 43 दिन में करते हैं, 43 डेज में करते हैं, तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपसे कह रहा है 7 मैन प्लस 5 वुमेन इन हाउ मेनी डेज। तो अगर यहाँ पे ये दोनों भी मैन के इक्वल आ जाता, कि मैन की एफिशिएंसी के इक्वल, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो वो किस तरह से होता है देख लीजिए, एक्चुअली हम चाहे 3 आदमियों को काम पे रखें या 4 लेडीज को काम पे रखें, काम उतना ही होना है। तो इसका मतलब द वर्क ऑफ 3 मैन इज सेम एज द वर्क ऑफ 4 वुमेन, तो 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन का मतलब ये है कि अगर आप मैन को रिप्लेस करना चाहें तो 4/3 वुमेन से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि 1 मैन कितने वुमेन के इक्वल काम कर रहा है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि नहीं सर 1 वुमेन जो है 3/4 मैन के इक्वल काम कर रहा है। तो चॉइस आपकी, आप किसको चेंज करना चाहो, यहां से अगर यहां मैंने मैन लिया है तो इसको भी मैन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 7 मैन प्लस 5 वुमेन, तो इस वुमेन को हम हटा देते हैं, 1 वुमेन इज इक्वल टू 3/4 मैन, तो यहां पे हम 7 मैन प्लस 5 इंटू 3/4 मैन लिख देंगे, वोमेन को हटा के 3/4 मैन, अब ये पूरा मैन हो गया। तो एलसीएम लीजिए 7 4 जा 28, 5 3 जा 15, 28 प्लस 3 43, तो 43/4 मैन। तो ये जो हमारे पास आ रहा था
इनकी जगह हम 43/4 में लिख सकते हैं। तो यहाँ रख दीजिए, आंसर आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया कि 3 men फिनिश इन 43 days, 43/4 men इन हाउ मेनी डेज, ये तो मैंने लिखा है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, M1 into D1, 3 into 43, M2 into D2, 43/4 into days, तो 43 से 43, 3 4 12। सब बच्चे बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, यस सर, यस सर। मैन को कन्वर्ट कर लीजिए वुमेन में, या वुमेन को कन्वर्ट कर लीजिए मैन, तो ठीक है सर जी, बोलो। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो पूछ ले, दोबारा बताऊं सर, हमने इसमें वुमेन को नहीं लिया, मतलब एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, एक बार और करेंगे। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। आपसे मैं कह रहा हूं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, 10 men और सपोज करो हम ये कह दें 15 women फिनिश ए वर्क इन 20 days, ठीक है जी। आप क्या कह रहे हो सर, अगर हम 15 men ले लें एंड ठीक है और 30 women ले लें तो फिनिश इन हाउ मेनी डेज, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन। अगर हम 10 men लगाते हैं तो हमारा काम 20 दिन में हो जाता है, लेकिन अगर हम 15 women और लिखा हुआ 15 women को लगाते हैं तब भी हमारा 20 दिन में हो जाता है। मर्जी आपकी, आइदर चूज 10 men और चूज 15 women। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो सारे एम्प्लॉइज वुमेन है, तो ठीक है आपको वुमेन ज्यादा चाहिए, ठीक है अगर आपको वुमेन चाहिए तो ये बस है। लेकिन आप क्या कह रहे हो, नहीं मुझे अब क्या करना है, 15 आदमी भी रखने हैं और 30 women भी रखने, अब कितने दिन में होगा? तो हम यहाँ कंपेयर करते हैं, हम क्या कह रहे हैं 10 men और 15 women, तो इसका मतलब इन दोनों का काम सेम है। जितना काम 10 आदमी कर रहे हैं उतना ही काम 15 women कर रही, तो यहां से 1 man निकल जाता है कि भाई 1 man जो है वो 15/10 women के इक्वल है, 1 man। तो अब क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ था कि भाई 15 men एंड 30 women, एंड का मतलब प्लस, तो मैन की जगह 1 man की जगह आप कितना रख सकते हो, 15/10 women, तो 15 × 15/10 + 30, ये आंसर है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए जितना भी आ जाए। अगर आपको मैन को, अब ये जो आया है ये वुमेन आ गया, मैन को भी आपने वुमेन के इक्वल रख लिया वुमेन। अगर आप चाहते नहीं सर मैं तो वुमेन को चेंज करूंगा, तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, यहां से आपके पास आ रहा है 1 woman इज इक्वल टू 10/15 men। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 15 men प्लस 30 women, और वुमेन की जगह आप रख सकते हैं 10/15, तो 10/15, तो 15 2 जा, तो 10 × 20, 20 + 15, 35 men। ये कॉन्सेप्ट सिंपल, अगर आप सोचें 10 men और 15 women, तो अगर इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो 2 men, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 men, ये मेरे पास आ जाएगा, या 5 men जो है हमारे पास, ठीक है 2 men 3 women। तो यहाँ पे अगर हम देख लें 3 women 30 है, तो 30 जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, तो 15 + 20 = 35। तो जैसे आपके जहन में आ रहा हो वो चीज आप समझ सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन आपको एक में ही सॉल्व करना है, चाहे मैन में चाहे वुमेन। तो अगर मैन में सॉल्व करना है तो मैन थे हमारे पास 10 और डेज थे हमारे पास 20, अब हमारे पास मैन कितने हो गए 35,
दोनों को मिला के, तो कितने दिन आंसर आ जाएगा। और अगर आपको वुमेन में करना है तो वुमेन थी 15, दिन थे 20। अब हमारी टोटल वुमेन कितनी हुई, इतनी, जो भी आपका आंसर आ जाए, मतलब 5 से 3, 5 से 2, 32 जा 60 और 45, 105 अपॉन 2 इन 2 डेज। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर आ गई। मैन को वुमेन में या वुमेन को मैन में, ये हमारे पास होता है। तो ये क्वेश्चंस थे M1D1H1 upon W1 M2D2H2 upon W2। दूसरा जो हम ले रहे थे उसके सीधे सीधे फॉर्मूले हैं और सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। हमारे पास क्या है, हमने कहा था, यहाँ देखते जाओ कि अगर ए अकेला किसी काम को एक्स डेज में करता है, बी अकेला उसी काम को वाई डेज में करता है, तो ध्यान रखिएगा वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन डायरेक्ट प्लस नहीं होते हैं, वन डे में कन्वर्ट होके होते हैं। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि अगर ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, वन वर्क इन 5 डेज, अगर आपको पूरा काम दिया हुआ, ए फिनिश ए वर्क इन 5 डेज, तो आप उसका वन डे वर्क निकाल सकते हो, उसका रेसिप्रोकल कर दिए। सीधी सी बात है, अगर 5 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 1 दिन में 5वां हिस्सा करेगा, 1/5, ठीक है। इसका उल्टा अगर आप ये कहो कि बी का वन डे वर्क जो है वो 1/2 है, आधा काम कर देता है 1 दिन में, तो पूरा वर्क निकाल सकते हैं, उसका उल्टा कर दीजिए 2 डेज। तो वर्क एंड टाइम जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी का फायदा उठाते हैं हम, इसका फायदा हम क्या उठाते हैं कि भाई अगर हम ये कह दें कि ए फिनिश इन 5 डेज और बी फिनिश द सेम वर्क इन सपोज करो 10 डेज, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो इनको एक साथ प्लस नहीं करते कि सर 5 + 10 = 15 डेज, ये कोई तरीका नहीं है। इनका क्या करते हैं, इनको ये करते हैं कि पहले इनका वन डे वर्क निकालते हैं, तो इसका वन डे वर्क आएगा 1/5, इसका वन डे वर्क आएगा 1/10, दोनों का वन डे वर्क आएगा 1/5 + 1/10, LCM 10, 2 + 1, 3/10। अभी हमने क्या कहा कि अगर वन डे वर्क पता हो तो वन वर्क उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसका उल्टा 10/3, तो 3 × 3 = 9, तो 3 दिन से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे। ये हमारे पास तरीका होता है, लेकिन अगर हमारे पास ये तरीका होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं, ए हो गया एक्स, बी हो गया वाई, फॉर्मूला याद रखना है, तो इसका वन डे वर्क 1/x, इसका वन डे वर्क 1/y, दोनों का वन डे वर्क 1/x + 1/y, LCM लोगे xy x + y, ये वन डे वर्क है, तो वन वर्क इसका उल्टा हो जाता है xy / x + y, सीधा सीधा मतलब ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों का जो काम होगा वो 5 × 10 5 + 10 होगा, बस इतना सा आंसर, xy / x + y, सीधा सीधा सा, कुछ नहीं सोचना इसमें। जी ताबिश साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं ताबिश साहब? ताबिश अमीन कुछ कह रहे हैं? जी राहुल गांधी जी का पंजा आ रहा है बहुत बड़ा सा आपका। ताबिश अमीन रेज हैंड, गुड। चलो देखो, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हो गया कि अगर ए जो है किसी काम को एक्स डेज में करता है, बी किसी काम को वाई डेज में करता है, तो ए प्लस बी उस काम को xy / x + y डेज में करेंगे।
अगर यहाँ पे सी भी दे दिया जाए कि सी उस काम को जेड डेज में करता है, तो तीनों मिलके उस काम को एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स में करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अगर तीन लोग हों नोट कर लिया ये वाला पॉइंट, इस पे क्वेश्चंस करें। आज तो शक्ल दिख रही है, अब तो नींद नहीं आनी चाहिए है भाई, ये अभी भी नींद आ रही है। सर नोट कर लिया? यस सर। देखो सर क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे से। देखो क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन सिक्स डेज एंड ए अलोन कैन डू नॉट अलोन अलोन कैन डू ए कैन डू इट इन नाइन डेज, इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू इट अलोन कैन डू इट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए प्लस बी किसी काम को छह दिन में कर रहा है, ए अकेला उस काम को नौ दिन में कर रहा है, बी उसे कितने दिन में करेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा सा ए प्लस बी का दिया हुआ है सिक्स, ए का दिया हुआ है नाइन, बी का पता नहीं, बी का पता है वाई होता है, ये हमारा एक्स होता है, ये वाई होता है, ये होता है। तो हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं सिक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यस और नो? सर यस और नो? यस सर। ठीक है, जो मैंने कहा था दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, छह दिन में, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आपके पास हो गया 54 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 9y, तो 9 माइनस 6 3y, 3 से कितना 18, तो y इज इक्वल्स टू 18 इज माय आंसर, तो b अकेला उसे 18 दिन में करेगा, 18 डेज में। ठीक है? यस सर। चलो जी देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, ए और बी एक्स डेज में, बी और सी वाई डेज में, ए और सी जेड डेज में करते हैं, तो ए बी सी कितने दिन में करेंगे? बस तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देख लीजिए, टू एक्स वाई जेड, टू लग जाएगा बस, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ए और बी मिलके एक्स डेज में, बी और सी वाई डेज में, ए और सी जेड डेज में करते हैं,
तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये हमारे पास। अब इसमें भी ये होता है कि अगर हमारे पास तीनों का आ गया तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं आर। तो अब अगर मुझे ये निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए करने के लिए बी और सी को माइनस करना पड़ेगा। ये बी सी का काम है और ये इन तीनों का काम है, तो इसमें से बी सी माइनस कर दो तो ए आ जाएगा। अगर मुझे ए का निकालना है तो बी सी माइनस करो, अगर बी का निकालना है तो ए सी माइनस करो, अगर सी का निकालना है तो ए बी माइनस करो, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन रेसिप्रोकल में ध्यान रखना, मतलब अगर ए बी सी का वन डे वर्क कितना हो गया, वन अपॉन आर। मान लो ए बी का वन डे वर्क कितना हो गया, वन अपॉन एक्स। तो अब अगर ए बी को माइनस करूंगा तो सी का बचेगा वन अपॉन सी, तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन एक्स, ये बस होगा। तो एलसीएम जो आएगा ध्यान से देख लीजिए, वो आएगा आर एक्स एंड एक्स माइनस आर। इसका उल्टा कर दीजिए तो सी का आ जाएगा एक्स आर अपॉन एक्स माइनस आर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है सर। तो अगर मुझे ए का निकालना है तो ए के लिए मुझे वाई चाहिए, तो वो होगा वाई आर अपॉन वाई माइनस आर। अगर मुझे सी का बी का निकालना है तो बी का निकालने के लिए एक्स माइनस करना पड़ेगा, सॉरी ए और सी को जेड माइनस करना पड़ेगा, तो वो होगा जेड आर अपॉन जेड माइनस आर। तो इस तरह से आप ए बी सी का इंडिविजुअल वर्क भी निकाल सकते हैं। इसे नोट करो, फिर ये क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा हुआ है। नोट कर लिया, जी सर नोट कर लिया? यस सर, यस सर। देखो क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बी और सी 15 डेज, ए और सी 20 डेज। तो ए बी सी कितने दिन में, ध्यान रखना 2 आएगा, एक्स वाई जेड 12 इंटू 15 इंटू 20, एक्स इंटू वाई 12 इंटू 15 कितना होता है 180, 15 इंटू 20 कितना होता है 300, एंड 12 इंटू 20 240, ये आंसर आएगा। तो इसी को ऐड कर दो, कितना आ गया 720। सॉल्व करो, 0 से 0, 12 से 6, 2 से 3, 3 से 5, 10 डेज, तीनों मिलके 10 दिन में करेंगे। अब अगर तीनों का आ गया, जो मैं आपको समझा रहा था, इसमें पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क, तीनों मिलके 10 दिन में करेंगे। अब अगर मुझे ए निकालना हो तो ए जब निकलेगा, जब मैं बी सी को माइनस करूंगा, तो मैंने अभी क्या करा था, मैंने अभी आपसे कहा था वाई एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो वाई एक्स ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 10, नीचे आएगा 15 माइनस 10, तो ये किसका वर्क आएगा, ए का। अगर आप बी सी को माइनस करोगे तो 15 इंटू 10 150 अपॉन 5, 30 डेज। बी बी को निकालने के लिए ए सी को माइनस करना पड़ेगा, तो इसको इसको इंटू करिए, जेड जेड आर
20 into 10 upon 20 minus 10. तो 10 आ जाएगा 20 days. अगर C निकालना है तो A B को माइनस करूं तो 12 into 10 and 12 minus 10. 2 आता है तो 2 5 जा या 2 6 जा 60. तो इंडिविजुअली जो है तीनों लोग 30, 20 और 60 डेज में कंप्लीट करेंगे. ये हमारे पास आया. ठीक है जी. सर सही है. यस सर. देखो एक क्वेश्चन देखो. प्यास मुझे लग रही है, आवाज आप लोगों की नहीं आ रही. ओह यस गुड. देखो जी क्वेश्चन. अरे क्या ड्रामा है, स्क्रीन से बाहर चला जाता है. कहाँ चला गया, ज्यादा छोटा हो गया. जी जोर की नमाज पढ़ लेंगे सर इंशाल्लाह. बगैर नमाज पढ़े कैसे काम चलेगा. जमात से पढ़ लेंगे सर, जैसी आपकी इच्छा हो. आप पर हम पढ़ लेंगे सर मिलके. जी क्या कह रहे हो, अपनी दुकान लगाओ, अपनी दुकान लगाओ. हाँ वही हम कह रहे हैं, वही कह रहे हैं सर हम भी आपसे. ये तरीका है क्या, लैपटॉप लगा रहे दो लगा रहे. ये कोई तरीका है आपका, लैपटॉप लगा रहे दो मोबाइल लगा रहे. अरे सर लगा देंगे, आप टेंशन ले रहे. हाँ सर ये बताओ जल्दी से फटाफट, डॉक्टर सादिर जो है नमाज पढ़ाएंगे. ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज व्हिच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इन 16 डेज. After A has been working at it for 5 days and B for 7 days, C takes up and finishes it alone in 13 days. In how many days could each do the work by himself? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं आता. आपसे कह रहा है A and B can do it in 12 days. देखो साजिश रच रहे हैं, वाकई में मुझे नहीं आता. मतलब नहीं आने का मतलब यह है मैंने इस तरह का क्वेश्चन शायद पहले नहीं किया. लेकिन कोई बात नहीं, नहीं किया तो नहीं किया, आज करेंगे इंशाल्लाह. A has been working it for 5 days. A जो है 5 दिन तक काम करता है और B काम करता है 7 दिन तक. ठीक है जी. तो C take up and finish it alone in 13 days. और C जो है अकेला 13 days में करता है और काम को finish कर देता है. ये कौन है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा. पावर वाली लाइन बंद है शायद.
हाँ सर, she work at 13 days, in how many days could he do the work by himself? अकेले अकेले का बताओ, कितने दिन में करेंगे? लेट ही बड़ी कुछ अब ठीक है। हाँ भाई, विजिबिलिटी कुछ बढ़ी क्या अब? हेलो, यस सर, बताओ जल्दी से आंसर। ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं, ए अकेला 5 दिन में कर रहा है, बी 7 दिन में कर रहा है, सी 13 दिन में कर रहा है। फिनिश। तो अकेले अकेले तीनों कितने दिन में करेंगे? बताओ, कोई है जो बता सके? सर ये करेगा, ये करेगा, अल्लाह बस आगे रुक गई गाड़ी, ये करेगा, ये करेगा, क्या करेगा ये? पंखा इससे नीचे आएगा, ऊपर आएगा? इस डंडे से हर वक्त कूलर ही चलेगा क्या सर? हर वक्त कूलर ही चलेगा क्या? कौन चाहिए ना सर, बताओ सब गायब, कौन कौन है यहाँ? बीस बच्चे हैं और 20 में से एक की आवाज नहीं आ रही। आयशा, आयशा स्क्वायर, यस सर, बताइए क्या हुआ इसमें? नहीं समझ में आया? नहीं आया सर। मुबारक हो, वेरी गुड। आओ जी सर, देखो, सर देखो हो क्या रहा है। साजिद सर कह रहे हैं मैं पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन, कैसे लोग क्वेश्चन कराइए, कैसे होगा? देखो हो क्या रहा है, ए और बी का एक दिन का काम 1/12 है, वन डे वर्क। तो ए ने अकेले 5 दिन काम किया है और बी ने 7 दिन किया है, तो इस 7 में से 5 अलग कर देते हैं, 2 अलग कर देते हैं, ठीक है जी? तो इसका मतलब ए ने भी और बी ने भी 5 दिन काम किया है। तो एक दिन का अगर 1/12 है तो ए और बी का 5 दिन का 5/12 हो जाएगा। ये वाली बात सबको समझ में आई या नहीं? सर बताओ ना। बेटे आपसे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला 5 दिन काम करता है, बी अकेला 7 दिन काम करता है, सी अकेला 13 दिन काम करता है, काम फिनिश हो जाता है, जबकि जो दिया हुआ है वो एक साथ दिया हुआ है। तो ए और बी का एक दिन का 1/12 है, तो अगर इसने 5 दिन और इसने 7 दिन काम किया है तो 7 में से 5+2 कर लेते हैं, तो ए ने भी 5 दिन, बी ने भी 5 दिन, तो दोनों को 5 दिन लगा देते हैं, तो 5 दिन में 5/12। अब सी के, बी के बचे यहाँ 2 दिन और सी के हैं यहाँ 13 दिन, तो इसको भी अलग कर देते हैं, सी को, सी का दिया भी नहीं है हमारे पास, है ना भाई? अच्छा बी और सी का दिया हुआ है, बी और सी का दिया 1/16, बी और सी का एक दिन का 1/16 है, तो बी के 2 दिन बचे हुए हैं और सी के 2 दिन अलग कर देते हैं, 2 days + 11 days, तो ये 1/16 है, तो 2 दिन में इन्होंने काम किया 2/16। अब बचा अकेला सी और सी बचा 11 दिन। अब सी का हमें पता नहीं कि सी कितने दिन में करता है, तो सी को हम सपोज कर लेते हैं, सी को हम कहते हैं कि भाई सी जो है अकेला एक्स डेज में करेगा, क्योंकि हमें सबका अलग अलग निकालना है। तो सी कर रहा है 11 days, तो 11 days में उसने 11/x वर्क किया होगा। एक ही इक्वेशन बनानी थी बस, ये तो मैंने आपके लिए लिखा है सारा, और काम हो गया फिनिश। जब भी काम फिनिश होगा वन आंसर होगा, तो यहां से आएगा x,
एक्स होगा सी के लिए, अगर एक्स को यहां रखेंगे सी में तो बी निकलेगा और बी को यहां रखेंगे तो ए निकलेगा, इतनी सी बात थी बस। बताओ एक्स का आंसर क्या आया भाई, जल्दी बताओ। 11 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 12, 8 जा कितना 96, 8 5 जा कितना 40, 12 ये तो 12 ही रह गया, कितना हो गया 52 बाई 96, 96 माइनस 52 कितना हो गया 96 माइनस 52 44, 44 बाई 96, 11 से कितना 4, 4 से कितना 24, तो सी अकेला 24 दिन में करेगा। अगर सी अकेला 24 दिन में करेगा तो वही जो एक्स वाई वाला फॉर्मूला था, ठीक है, तो बी कितने दिन में करेगा, माइनस वाला करेंगे, ठीक है भाई। तो हमारे पास कितना आ रहा है, वन अपॉन 16 माइनस वन अपॉन 24, तो 24 इंटू 16, तो यहां से बी निकलेगा 24 इंटू 16 एंड 24 माइनस 16 8, 8 3 जा 16 3 जा 48, तो बी अकेला बी अकेला 48 डेज में करेगा। अब अगर मुझे ए निकालना है तो बी का यहां रख दो, तो ये होगा 48 इंटू 12 एंड 48 माइनस 12 16 3 जा 36, तो ए अकेला 36 में करेगा। सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया बताओ जल्दी से। बोलो ठीक है, बीबीए वालों के लिए लेवल थोड़ा सा हाई है, छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, टेंशन ना लो, लेकिन सीख सब कुछ लो। मेट्रो में जॉब निकली है सेंटर मैनेजर्स के लिए, कोई एलिजिबल हो तो उसमें पोस्ट में अप्लाई कर दो, डीडी मेट्रो, डीडी मेट्रो दिल्ली मेट्रो, ठीक है जी। तो आज फिर इसको रिवाइज कर लीजिए इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं भी आपके पास वर्कशीट भेज रहा हूँ, तो वर्कशीट को सॉल्व कर लीजिए। सर इसकी बेस को हमने ब्रेक क्यों किया है, बी के और सी के? अल्लाह कैसे निकालें फिर, बी का अकेले टाइम नहीं दिया हुआ ना बेटे, अगर डेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो इसको यूज कैसे करेंगे कि ए प्लस बी 12 दिन में और बी और सी एक्स 16 दिन में, ये है ना फर्क। सर इसके अलावा कोई और भी वे है जिससे हम कर सकते हैं? हैं? इसके अलावा और कोई वे है जिससे हम कर सकते हैं? इसके अलावा कोई और वे है हम कर सकते हैं, तो इसमें क्या मुश्किल आ रही है? सर एक्स सपोज क्या करना पड़ता है ना, वहां मैं कंफ्यूज हो जाती हूं तो इसलिए पूछ रही थी। एक्स क्या करना पड़ता है, मतलब जिस सी को हमने एक्स दिया ना, तो हाँ। उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है थोड़ी सी, पर वो तो बेटे जो चीज फाइंड करनी होती है तो एक्स लेना ही पड़ेगा। यस सर, यहां पे सी का दिया, यहां पे अगर ए प्लस सी दिया होता, अगर इस क्वेश्चन में ए प्लस सी दिया होता तो फिर तो कोई कहानी नहीं थी, तो ए और सी नहीं दिया ना बेटे। यस सर, तो उस वजह से सी को एक्स मानना पड़ा, अगर यहाँ ए सी भी दे देता तो क्वेश्चन ही इजी हो जाता, फिर तो हो जाता। तो चीजें तो बेटे सपोज करनी पड़ेगी ना, डरा मत करो, एमबीए हो गए डरोगे तो फिर क्या करो, एमबीए करने के बाद तो कंपनी में सारी चीजें एक्स ही माननी पड़ेंगी, अगर हमारी रिवेन्यू इतना है तो प्रॉफिट इतना होगा सपोज। यस सर, तो आपको आपको रिपोर्ट वही बनानी है सपोज वाली, एज्यूम करेंगे तो एमबीए वाले बच्चा भी डरेगा तो कैसे काम। सर सही है? हाँ जी सर। यस सर, क्या सही है, क्लास में कुछ समझ में आया आज? जी सर। हाँ भाई, आज तो हम आपके सामने लाइव थे, थोड़ा सा फील आया होगा जैसे क्लास में बैठे हुए हो आप लोग। जी सर बिल्कुल सर, तो जब क्लास में बैठे हुए फील आता है तो इसका मतलब ये है थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। जी सर। नहीं सर, आज आज ठीक लग रहा है, अब नेट वेट सही कराया है माशाल्लाह से, थोड़ा सा चाय वाय का जुगाड़ करेंगे और तो चाय पीते हुए पढ़ाते रहे आपको, ठीक है जी।
एमबीए वालों से इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात होगी. किस टाइम? 3 बजे. ओके सर, इंशाल्लाह. चलो जी, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.